शांति, प्रेम, विश्वास और आशा में कौन बड़ा है। दिवाली का दिन था, चारों तरफ जलते हुए दीयों की क्यारियां नजर आ रही थी। देखकर मन उमड़ रहा था, ऐसा अद्भुत दृश्य सबके मन को लुभा रहा था। लोग बड़े आनंद में थे। दीपों का ये उत्सव मन में खुशी की उमंगें लेकर आया था। सारा शहर प्रकाश से भरा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, धीरे धीरे प्रकाश भी कम होता चला जा रहा था। अरे ये क्या, पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा। सारे दीपक बुझ चुके थे। तभी एक छोटा सा बालक दीयों को देखने के लिए छत पर आया। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सब ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। छत पर रखे हुए दिए बुझ चुके हैं, केवल चार दिए ही जल रहे हैं। बेचारों आपस में बतला रहे थे। एक दिया बोला, हे भाई, मैं शांति का प्रतीक हूं। मैं जब तक जलता रहता हूं, लोग प्रेम और आनंद में रहते हैं, उन्हें सुख की अनुभूति होती है, चारों तरफ शांति का वातावरण रहता है। परंतु अब मुझे लग रहा है कि इस दुनिया को मेरी जरूरत ही नहीं है। चारों ओर व्यर्थ की भागदौड़, लूट खसोट मची हुई है। हर कोई अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में इतना व्यस्त है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं, चाहे कोई मर रहा हो या दुख से आतुर हो। लोग एक दूसरे को धोखा देकर अपने हित चिंतन में लगे हुए हैं। शांति संतोष जैसी चीजें तो उनमें है ही नहीं। मैं यहां अब और नहीं रह सकता। जब मैं लोगों को अशांति के वातावरण में जीते देखता हूं तो मुझे भी बड़ी घुटन सी होती है। इतना कहकर वो दिया बुझ गया। मित्रों, दूसरा दिया बोला, मित्र, मेरा नाम विश्वास है। मेरा जीवन भी तभी तक संभव है जब लोगों में विश्वास रहता है। यह संसार प्रेम और विश्वास की नींव पर बसा हुआ है। विश्वास से ही सारे रिश्ते नाते बनते हैं। विश्वास से ही भय का विनाश होता है। विश्वास एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। विश्वास जहां नहीं रहता, वहां लोग सुखी नहीं रह सकते। एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष मानने लगेंगे। जीविका के सारे स्रोत विश्वास पर ही स्थित हैं। विश्वास ही सबको प्रेम करना सिखाता है। दूसरा दीपक बोला, भाइयों, अब मुझे लगता है कि लोगों में इतना छल फरेब आ गया है, बात बात पर झूठ बोलने लगे हैं, एक एक पैसे पर झूठ बोल जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसका विश्वास करें। इस झूठ और फरेब में अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं भी यहां से जा रहा हूं। इतना कहकर दूसरा दीपक भी बुझ गया। तभी तीसरा दीपक बोला, मित्र, मेरा नाम प्रेम है। एक एक करके हमारे दो साथी हमें छोड़कर जा चुके हैं। मुझे उनके जाने पर बड़ा दुख हो रहा है। अब मैं भी क्या कर सकता हूं, इस दुनिया ने मुझे भी बहुत कमजोर कर दिया है। लोभ लालच के चलते लोगों में बढ़ती नफरत मेरी जान की दुश्मन बन गई है। वैसे मेरे अंदर हमेशा जलते रहने की शक्ति है, पर आजकल हर कोई इतना व्यस्त रहने लगा है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं बचा है। दूसरों की तो बात छोड़ो, लोग अपनों को ही भूलते जा रहे हैं। धन के लोभ और वासना के दलदल में इतने उलझ गए हैं कि अपने लोग भी पराये कर दिए गए। लोग वासना को ही प्रेम समझकर सच्चे प्रेम को भूल चुके हैं। अब तो प्रेम कम, दिखावा अधिक है। पहले लोग प्रेम में पड़कर जान की बाजी लगा देते थे, सारा जीवन प्रेम रूपी धागे में बंधे रहते थे। अब तो प्रेम का नाटक कर लोग जान ले लेते हैं। मुझको लोगों ने इतना बदनाम और कमजोर कर दिया है कि अब और यहां रह पाना मेरा मुश्किल हो गया है। प्रेम में तो लोग देते हैं, पर यहां तो हर कोई लेने में और छीनने में लगा है। यह सब देख देख कर मुझसे नहीं रह जाता, इसलिए मैं अभी जा रहा हूं। इतना कहकर तीसरा दीपक भी बुझ गया। इस प्रकार कुछ ही मिनट के अंतराल से तीन दीपकों को बुझता देख छत पर खड़ा लड़का घबरा गया। उसकी आंखें भर आईं। वो रुआसा होते हुए बोला,
एक एक करके तुम तीनों हमें छोड़कर कैसे चली गई? अभी तो पूरी रात बाकी है, इस रात को रोशन कौन करेगा? एक ही अकेला दीपक क्या करेगा? बालक को उदास देखकर चौथा दीपक बोला, बेटे घबराओ नहीं, मैं आस हूं और जब तक मैं जल रहा हूं हम बाकी दियों को भी फिर से जला सकते हैं। कहते हैं इस संसार में बहुत से लोगों का सब कुछ खत्म हो जाता है, पर आशा यदि जिंदा रहे तो सब कुछ वापस भी पाया जा सकता है। मनुष्य को उम्मीद और प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि हमें सब कुछ बुरा होते दिखाई पड़ता है और चारों तरफ अंधकार नजर आने लगता है, अपने भी पराए लगने लगते हैं। उस समय केवल उम्मीद ही बचती है और यदि आस है तो सांस है, खोई हुई चीज वापस दिला सकती है। आशा का दूसरा साथी है प्रयास, तीसरा साथी है धैर्य। मित्रों, यदि आशावादी व्यक्ति उत्साह के साथ प्रयास करे तो निश्चित रूप से कामयाब होगा। कहते हैं आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आशा प्रथम भूमिका में होती है, विश्वास द्वितीय भूमिका अदा करता है। आप जैसी उम्मीद करते हैं वैसा ही आपको मिलता है तो उस समय आप सुखी होते हैं। जब परिणाम उम्मीद से विपरीत हो जाए तो निराशा का जन्म होता है। उस स्थिति में भी हमें आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन के उन उतार चढ़ावों के बीच मन में अनेक प्रकार की चिंताएं और आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। उस समय धैर्य और संयम हमें संभालता है। उम्मीद सपने दिखाती है, विश्वास मोहर लगाता है, प्रयास कार्य करता है और हम फिर से अपने लक्ष्य को छू लेने में सफल हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, आशा है तो सब कुछ है। इस तरह बालक ने आशा से उन दियों को पुनः जला दिया, शांति, विश्वास, प्रेम फिर से रोशन होने लगे। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।